अब ये डैशबोर्ड से जाके जो है यहाँ टॉप राइट के ऊपर जो है लिसनिंग का एड लिसनिंग का बटन आता है ब्लैक कलर का, उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो लिसनिंग एडिटर आपके पास ओपन हो जाएगा। एडसी के अंदर सबसे पहला सेक्शन आता है फोटोज़ का। फोटोज़ के अंदर जो है आपको एक मेन इमेज लगानी होती है, देन दूसरे जो अलग अलग जो उसकी जो फोटोज़ होते हैं अलग अलग वेरिएशन में वो आप लगाते हैं इसके अंदर। और फोटो का जो साइज़ होगा एटसी एक्सेप्ट करता है 2000 बाय 2000 पिक्सल के लिए, ठीक है। तो ये मेक श्योर कीजिएगा कि 2000 बाय 2000 की इमेज आपकी होनी चाहिए, वरना एटसी जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको। अच्छा ठीक है, क्या हो गया, ठीक हो गया। इसके अंदर पहला सेक्शन तो आपका ये है, और मेन इमेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप अमेज़ॉन से भी उठा रहे हैं तो ठीक है, अगर आपको फोटोशॉप चलाना आता तो मैं ये क्या करता हूँ कि अगर मुझे कोई आइटम लगानी होती है तो उसके जो प्रोडक्ट की फ़ोटो होती है वो मैं फोटोशॉप से जो है थोड़ा सा उसको कलर को जो है कंट्रास्ट उसका या तो लाइट कर देता हूँ या थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आए सब लोगों से, ठीक है। और पोजीशन को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, और इस तरह करके जो है मैं इमेज को अपनी मेन इमेज को बना लेता हूँ। अगर आप लोग नहीं बना सकते, फोटोशॉप नहीं चलाना आता, तो कोई बात नहीं, आप जो है अमेज़ॉन की फ़ोटो जो या किसी भी कहीं से भी आप सोर्स करें उसकी फ़ोटो उठा के आप रिसाइज करके यहाँ पे लगा सकते हैं। दूसरा, ये दूसरा सेक्शन आता है वीडियोस का। वीडियोस अगर आपके पास प्रोडक्ट की वीडियो है तो वेल एंड गुड, आप जो है यहाँ पे लगा दें। अच्छा जी, वीडियोस का सेक्शन एडसी ने जो है न्यूली लॉन्च किया है, कुछ आई थिंक 3 4 महीने पहले ही जो है लॉन्च किया है इसको। और इसके अंदर जो है एडसी कहता है कि अब जब जो क्योंकि ये जो है नया फीचर है, तो एडसी कहता है कि आप प्रोडक्ट की वीडियोस अपलोड करें और हम जो है उस आपकी लिस्टिंग को जो है ऑटो प्रमोट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। वो उनको जो है अपना जो फीचर है वो मार्केटिंग करने के लिए उन्होंने यूज़र जो सेलर है उनको ये ऑप्शन दिया कि आप जो है वीडियोस अपलोड करें अपनी लिस्टिंग पे, तो हम आपकी प्रोडक्ट को और मार्केटिंग करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास वीडियो है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल होता है, आप जो है उसको नहीं लगा सकते, लगाना चाहे तो लगाए वरना छोड़ दें। तीसरा पार्ट आता है मेन जो लिस्टिंग डिटेल्स का होता है, जिसके अंदर टाइटल आपको देना है। टाइटल की जो कैरेक्टर लिमिट होती है 140 होती है, और जो है उसके बाद टाइटल जब आपका बन जाएगा उसके बाद आता है अबाउट दिस लिसनिंग। अबाउट दिस लिसनिंग के अंदर जो है मैं हमेशा जो है सेलेक्ट करता हूँ अनदर कंपनी और पर्सन, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। बाकी मैं सेशन तो वैसे अपलोड करूँगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा, देख सकते हैं, लेकिन नोट कर लें तो अच्छी बात है, आपको वीडियो बार बार नहीं देखनी पड़ेगी। फिर मैं दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, एक्चुअली क्या पूछता है व्हाट इज इट, तो मैं कहता हूँ कि अ फिनिश प्रोडक्ट अ सप्लाई और टू। अ फिनिश प्रोडक्ट के अंदर जो है ये दो जो है अगर आपकी कोई सप्लाई है, सप्लाई से मुराद के फॉर एग्जांपल स्लाइम किट है, स्लाइम किट है तो या टू किसी किस्म का टूल है जिससे आप हैंडमेड आइटम बना सकते हैं, तो वो फिर आप जो है यहाँ पे अ सप्लाई और टूल टू मेक थिंग्स ये वाला सेलेक्ट करेंगे। अगर अब फिनिश प्रोडक्ट है, अगर लेट सपोज आपको आपने कह दिया कि हैंडमेड जो है एक बैग, हैंड बैग जो बैग होता है वो आपका एक फिनिश प्रोडक्ट है ना, तो फिर वो उस टाइप की अगर आइटम है तो आप जो है फिनिश प्रोडक्ट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन देता है व्हेन वाज इट मेड, तो इसके अंदर से मैं हमेशा रिसेंटली जो अपना ईयर चल रहा होता है 2021 अभी चल रहा है, तो मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा,
अब आता है यहाँ पे कैटेगरी। अब कैटेगरी के अंदर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अगर लेट सपोज मैं शैंडलर लगा रहा हूँ, तो अब मुझे नहीं पता कि शैंडलर एटसी पे कौन सी कैटेगरी में जाना है, तो मैं यहाँ पे शैंडलर लिख देता हूँ। तो एटसी पर जो है आपको ऑटो सजेशन में आपको कैटेगरी शो करेगा कि भाई आप देख लो कि यहाँ शैंडलर जो है होम लिविंग के अंदर जा रहा है, लाइटिंग शैंडलर एंड पेंडेंट लाइट्स में डालना है या होम लिविंग पेंडेंट लाइट्स के अंदर जाने का है, शैंडलर और पेंडेंट लाइट्स में डालना है, फिक्चर में डालना है, शेड में डालना है। तो आप फिर जो है जो आपकी सिमिलर जो है कैटेगरी है उसको सेलेक्ट करेंगे। मैं अभी यहाँ से पहले सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि शैंडलर जो है ये फर्स्ट कैटेगरी के अंदर जाता है। ठीक है, वो सब जब सेलेक्ट कर लेंगे तो अब एटसी आपकी जो प्रोडक्ट आपकी जो लिस्टिंग है वो होम एंड लिविंग की कैटेगरी में भी शो करेगा, लाइटनिंग में भी शो करेगा, शैंडलर पेंडल लाइट्स में भी शो करेगा और शैंडलर की कैटेगरी में भी शो करेगा। वो सब कैटेगरीज चल रही होती है तो ये इन चार कैटेगरीज के अंदर शो करेगा। अच्छा, अब आता है प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर अगर आपको पता है तो डालें, नहीं पता तो ऑप्शनल होता है, छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। सेकेंडरी का भी यही है कि है पता है तो डालें वरना छोड़ दें, ऑप्शनल है बाकी। अच्छा, रूम्स आता है तो इसके अंदर से मैं तो, अगर आपको मालूम है तो डाल दें, लेकिन मैं डालता हूँ इस चीज़ को कि आप शैंडलर है तो मैं बेडरूम में भी डाल देता हूँ उसको, किचन एंड डाइनिंग में भी कर देता हूँ, लिविंग एंड लिविंग रूम में भी कर देता हूँ, पैटियो एंड हॉल डोर में भी कर देता हूँ और एंट्री वे में भी। 5 की लिमिट होती है, आप 5 से ज़्यादा सेलेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, मटेरियल का जब पूछता है तो मटेरियल ऑप्शनल है, लेकिन मैं डालता हूँ, अगर पता है तो आप डालें, इससे फ़ायदा होता है लोगों का और लिसिंग भी आपकी ऑप्टिमाइज होती है। तो आपको पता है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें कौन कौन सा मटेरियल जो है आपकी प्रोडक्ट के अंदर यूज़ हुआ है, तो वो यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। बाकी हाइट विड्थ और डेप्थ जो है आपको अगर पता है वो भी डालें। जितनी लिसिंग के अंदर ऑप्शंस आप फिल करेंगे उतनी आपकी लिसिंग जो है ऑप्टिमाइज होगी और रैंक होगी। तो जितना पॉसिबल हो सकता है उतनी इंफॉर्मेशन जो है आप अपनी लिसिंग के अंदर ऐड करें। ठीक है, हॉलीडे वाले ऑप्शन को छोड़ देना है, ओकेशन वाले को भी फिलहाल छोड़ देना है। किसके सवाल आ रहे हैं भाई, सवाल आप प्लीज़ मेहरबानी करें सेशन के बाद Q&A में कीजिएगा, मैं जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ बार बार, तो मेहरबानी करें। अच्छा जी, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आएगी, आप जो है डिस्क्रिप्शन डालें, अच्छी तरीके से डालें। प्रोडक्ट अगर आप अमेज़ॉन से उठा रहे हैं तो अमेज़ॉन की भी डिस्क्रिप्शन जो प्रोडक्ट की होती है वो डाल के चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया, अब आता है प्रोडक्शन पार्टनर। अच्छा जी, लोगों के बहुत सारे सवाल आते हैं ग्रुप के अंदर, प्रोडक्शन पार्टनर क्या डालें क्या डालें। तो मैंने जो है यहाँ पे 3 मैंने वो पार्टनर्स बना के रखे हैं रैंडम। आपको करना सिंपल ये है कि ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो आप, मैं यहाँ से आप ऐड अ न्यू प्रोडक्शन पार्टनर करोगे। और जैसे कि मैं आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ग्लोबल वाला एक बना के रखा और इस ये वाला जो पार्टनर है मैं हर अपनी आइटम पे यूज़ करता हूँ। करना क्या है सिंपल, आपको ग्लोबल में प्रोडक्शन पार्टनर का नाम लिख देता हूँ, एटसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिलहाल, अभी वो चेक नहीं करते इन सब चीज़ों को। लोकेशन जो है मैं यूनाइटेड स्टेट रखता हूँ अपनी, क्योंकि मैं ज़्यादातर US के अंदर सेलिंग कर रहा हूँ तो यूनाइटेड स्टेट में यूज़ करता हूँ। अबाउट प्रोडक्शन पार्टनर में भी NA लिख कर आगे बढ़ा देता हूँ। दूसरा इसका मेरा ऑप्शन मुझे यहाँ पे देखना है सर। ठीक है, अब ये देख सकते हैं कि मैंने बनाया हुआ है, तो मैं अभी फिर आपको बता देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, अबाउट योर पार्टनरशिप के अंदर जो है मैंने सेलेक्ट किया हुआ आई डोंट हैव द टेक्निकल एबिलिटी और इक्विपमेंट टू मेक थिंग्स एंटायर बाय माई सेल्फ, तो ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ, यही आप लोगों को सेलेक्ट करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन जो है इसके अंदर मैंने सेलेक्ट किया हुआ आई हैव एन आइडिया
एंड वर्क विद इंडिपेंडेंट डिजाइनर टू रिलीज इट, तो यही आपको सेलेक्ट करना है. तीसरा ऑप्शन है दे डू एवरीथिंग फॉर मी. ये तीन ऑप्शन आप लोग नोट कर लें अपने पास. ये चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी है प्रोडक्शन पार्टनर की. और अभी तो अपडेट पार्टनर आ रहा है क्योंकि मैं एग्जिस्टिंग मैंने पार्टनर ओपन किया हुआ है. इस जगह पे आपको सेफ पार्टनर का ऑप्शन दे देगा, तो सेफ पार्टनर करके आप रख देंगे, उसको सेव करवा देंगे, तो इसी तरह यहाँ पे लिस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. हर जब भी आप लिस्टिंग क्रिएट करने जाएंगे तो वो ग्लोबल वाला प्रोडक्शन पार्टनर जिस तरह मेरे पास यहाँ दिखा रहा है उसी तरह आप लोगों के पास भी दिखाएगा. तो सिंपल यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे. फिर आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टैग्स, जो कि कीवर्ड्स, मैं कहता हूँ कि कीवर्ड्स अपडेट करने हैं, ऑप्टिमाइज करने के लिए ऐड करने हैं, ये सारी चीज़ें. तो टैग्स के अंदर जो है आपके पास 13 टैग्स की लिमिट होती है. आप जो है स्मॉल लेटर्स में, कोई भी कैपिटल लेटर ना होना चाहिए वर्ड के अंदर, स्मॉल लेटर्स में जो है वन बाई वन जो है आप ऐड करेंगे. मैं डालता हूँ सेंटेंस और इसको ऐड करवाता हूँ. अगर आपके पास दो वर्ड है तो पेंडेंट शैंडलर, इस तरह करके आप जो है डालेंगे तो आपका टैग एक पूरा बन जाएगा. ठीक है, टैग आपको ये ऑप्शनल दिया हुआ है, लेकिन यही चीज आपकी जो है मेन है जिससे आपका आपकी लिस्टिंग रैंक होगी अलग अलग कीवर्ड्स के ऊपर. तो ये सेक्शन जो है आपको नहीं भूलना, इग्नोर नहीं करना है. इसके अंदर आप अपने जो है कीवर्ड्स होंगे ई रैंक से या अलोरा से जब आप उठाएंगे वो यहाँ पे आके आप इसको ऐड करवाएंगे. ठीक हो गया. मटेरियल ऑप्शन ऑप्शनल है, देना है तो दें, अच्छी बात है, देना चाहिए. प्राइसिंग के अंदर आप अपनी प्राइसिंग देंगे, सेलिंग प्राइस, क्वान्टिटी, एस के यू के अंदर जो है मैं हमेशा मेरी जो प्रैक्टिस होती है वो मैं क्या करता हूँ कि अब जाहिर सी बात है अभी तो आपके पास एक नया आपका अगर नया अकाउंट होगा तो कम लिस्टिंग्स होंगी, 10-12 लिस्टिंग्स होंगी, तो आपको तो पता होगा कि यार मैंने कौन सा आइटम कहाँ से बाई करना है. ठीक है ना. लेकिन जब आपके पास 100-200 लिस्टिंग्स हो जाएंगी तो फिर जब आपके पास ऑर्डर आ रहे होंगे तो आपको नहीं पता होगा कि यार फला आइटम जो है मैंने कहाँ से सोर्स किया था. तो इसके लिए मैं अपना जो मेरी जो प्रैक्टिस होती है मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे SKU के अंदर जो है अगर मैंने अमेजोन से सोर्स करना होता है कोई आइटम तो मैं अमेजोन का जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है ASIN होता है, URL में आ रहा होता है, वो ASIN को उठा के मैं इस SKU के अंदर डाल देता हूँ. ये SKU जो है कस्टमर को नहीं दिखाएगा, ना ही किसी यूज़र को दिखाएगा, ये सिर्फ आपके रिकॉर्ड्स के लिए होता है. तो वो SKU डालता हूँ और वो SKU में ASIN को डाल देता हूँ और आगे बढ़ा देता हूँ. अगर मैं वॉलमार्ट से कर रहा होता हूँ कोई आइटम को सोर्स तो मैं क्या करता हूँ कि WLM डैश और वॉलमार्ट की भी जो है स्पेसिफिक प्रोडक्ट की आईडी होती है वो प्रोडक्ट की आईडी उठा के मैं यहाँ पे डाल देता हूँ. जब मेरे पास ऑर्डर्स आते हैं तो वो बैकएंड के ऊपर ऑर्डर के सेक्शन में वो SKU दिखा रहा होता है कि फला ऑर्डर के ऊपर वो फला SKU होता है. तो वो सिंपल मैं उस आईडी को उठाता हूँ और वॉलमार्ट पे जाके मैं वो आईडी को सर्च करवाता हूँ, मेरे पास प्रोडक्ट जो है शो कर देता है और उसको मैं प्रोसेस कर देता हूँ. ये ईजी वे है. इसी तरह ओवरस्टॉक से अगर मैं करता हूँ तो ओवरस्टॉक का OVR मैं लिखता हूँ और उसकी भी प्रोडक्ट आईडी होती है, वो मैं आगे जो है प्रोडक्ट आईडी लिख के डाल देता हूँ. जब मेरे पास ऑर्डर आता है मुझे पता हो चल जाता है कि यार ये ओवरस्टॉक का है, ये वॉलमार्ट का है, ये होम डिपो से आया है, ये जो है अमेजोन से आया है, सॉरी अमेजोन से जो है हमें प्रोसेस करना है. तो ये मेरे लिए ईजी हो जाता है. तो आप लोगों को भी इसी तरह करना है ताकि आपका आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए, वरना आप लोग ढूंढते ही रहोगे आप के जो ना यार ये कहाँ से लिया था मैंने. भले आप शीट के अंदर एक डाल दोगे SKUs और सेव कर लोगे, लेकिन वो भी उसमें भी टाइम लगेगा फाइंड करने में जब ऑर्डर्स आपको आ रहे होंगे. तो इससे इस क्विकली वे जो है ना आप लोगों को टाइम बचाने का वो यही है कि जो है ना आप यहाँ पे SKU इस तरह बना के रखें ताकि आप फौरी वहाँ से कॉपी करें अपने प्रोडक्ट आईडी को और वेबसाइट पे जाके डाल के प्रोडक्ट को ऑर्डर कर दें. तो इस तरह ये SKU बना के आप डालेंगे. ठीक हो गया. अब शिपिंग टेम्पलेट्स मेरे बने हुए, शिपिंग टेम्पलेट्स अभी मैं बताता हूँ किस तरह बनते हैं और किस तरह यहाँ पे आप सेव करवा सकते हो. ठीक है, वेरिएशन का भी मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ. ठीक है,
तो ये सारा जब आप हो जाएगा, सिंगल लिस्टिंग आपकी बनानी है, कोई वेरिएशन नहीं है, तो इस तरह ये सारी चीज़ें फुलफिल करेंगे आप। टेम्पलेट जो आपका होगा शिपिंग, वो सेलेक्ट करेंगे एंड देन उसको यहाँ से पब्लिश बटन है यहाँ, पब्लिश करेंगे उसको, आपकी लिस्टिंग जो है पब्लिश हो जाएगी। 27 आपसे चार्ज करेगा एडसी और आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाएगी।